So why we need to celebrate Breast Cancer Awareness Month? Hi, I am Dr. SVS Dev. I am the oncology lead and senior consultant surgical oncology at Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi. In the month of October, we are celebrating the Breast Cancer Awareness Month. Because you all know, breast cancer has become the most common cancer among women all over the world, including in India. इंडिया में भी आजकल आपको ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर वन कैंसर हो गया लेडीज में, इसीलिए हमको सबको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सीखना चाहिए, जागरूकता लेना चाहिए और क्या क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए हमें पूरा इस महीने में अक्टूबर में बहुत प्रोग्राम्स करते हैं पूरा इंडिया में एंड अपोलो हॉस्पिटल्स के अलग अलग हॉस्पिटल्स में। सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में आप लोग को क्या क्या जानकारी होना चाहिए, एज ए पब्लिक आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली स्टेज की लक्षण क्या है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर, इट कैन प्रेजेंट एज ए लंप इन द ब्रेस्ट और ए निपल डिस्चार्ज और एनी चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट और स्किन चेंजेस। सो इसमें कोई भी आपको इस टाइप की अगर सिम्टम है या लक्षण है, आपको तुरंत जानकारी मिलते ही चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ये बीमारी पकड़ने से आपको क्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेस्ट कैंसर का एक खासियत है कि शुरुआत की स्टेज में अगर पकड़ में आ जाएगी बीमारी, 90% ब्रेस्ट कैंसर आप क्योर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स को आप कंट्रोल करके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क आप कम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, वेट कम करना, आपका बॉडी का वजन आपका लिमिट में रखना है, क्योंकि ज़्यादा वजन होने से फैट बढ़ने से बॉडी में कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। खान पीन पर ध्यान देना होगा आपका, हाई कैलोरी डाइट, शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सबसे आपका ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है आपको अगर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा खाने से प्रोटेक्शन मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी से आपको दिखाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कम हो जाता है। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क आपका कम हो जाती है। और आपका चेकअप के लिए कब जाना है ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी लेडी 45 एज के बाद अगर कोई परेशानी भी नहीं हो, एक बार जाके अपना मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता है तो आपका शुरुआत की स्टेज में ये कैंसर पकड़ा जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स में हमने एक नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, FAMP प्रोग्राम, फास्टेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो आप लोग आके इस प्रोग्राम का फ़ायदा लें, बहुत ही कम खर्चा में बहुत जल्दी आपका ब्रेस्ट कैंसर की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, बायोप्सी सब कुछ 2 से 4 दिन के अंदर सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। सो ये सारे एक्टिविटीज़ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुए और ज़्यादा परसेंटेज पेशेंट्स को हम क्योर सकें। थैंक यू वेरी मच।